नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। फिरोजाबाद में नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। तेज बारिश के चलते फिरोजाबाद की सड़कें बनी तालाब, नगर निगम की पोल खुलती नजर आ रही है। जी हां, वहीं फिरोजाबाद में जलभराव की समस्या से जनता परेशान है। जलभराव के चलते लोगों को करना पड़ता है काफी परेशानियों का सामना। ये खबर फिरोजाबाद से। वहीं जलभराव के बाद काफी गंदगी भी देखने को मिलती है। सवाल ये खड़ा होता है, आखिर नगर निगम का इस ओर क्यों ध्यान नहीं है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। अरे यार भोपाल, जलभराव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अरे यहाँ फिरोजाबाद में 2 मिनट बारिश हो जाती है तो जाना है, यहाँ पे पूरे भंडारा लग जाता है नाले में पूरे। आज सरकार तो कुछ कहो, ये पूरा सही करे। आगे जाटा पूरी भाई मामन नाला ने वहाँ पे ही भर जाता है, बड़ा परेशान है। सरकार तो कुछ कहो, कुछ ऐसा जल्द से जल्द सही करे। बहुत नाम है आपका? जलभराव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था खराब है, पानी भर ले आए रोडों पे, इसकी सुविधा करें। आपका जलभराव को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? जलभराव के लिए कहना चाहेंगे कि आए दिन कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि अगर पानी आधा घंटे भी अगर पड़ जाए तो ये आप जो आज की तालाब की हालत देख रहे हैं, पानी की हालत देख रहे हैं, इसी तरीके से पूरी तरीके से डूब जाता है। जो यहाँ से निकलने वाली गाड़ियाँ जो आए दिन कितनी गाड़ियाँ बंद हो जाती है, धक्का लगा के खींचना पड़ता है, कितनी गाड़ियाँ गिर भी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा कंडीशन यहाँ की ख़राब है, इस तरह से जलभराव देखना हो जाता है पूछो मत। और ये पानी जो भर गया है, कम से कम अगर अभी पानी बंद हो जाए तो कम से कम इसको 5 घंटे निकल लग जाएंगे यहाँ से पानी निकलने में। स्मार्ट सिटी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? स्मार्ट सिटी के लिए कहना चाहेंगे पहले इसी चीज़ की यहाँ पे सुधार हो जाए तो अच्छी बात है। स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर, पहले इन चीज़ों को सुधार किया जाए तो स्मार्ट तो वैसे ही अपने आप हो जाएगा। स्मार्ट सिटी में क्या है, खूबसूरती जल भराव ना हो, सब हरी पौधे लगाए जाएँ, जब यही अगर इसको ही अगर हम सुधार कर लें तो स्मार्ट सिटी से ही वैसे ही कम नहीं है।